ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये टॉपिक थोड़ा कॉन्सेप्ट अगर आप इसका समझो तो समझने में थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बड़े इजी है। कल की क्लास में हमने डिटेल में सीख लिया था कि पेपर में अगर आपके पास कोई मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी मैंने बताई थी, एक एक स्टेप की मैंने आप लोगों को लॉजिक बताई थी, रट्टा नहीं बोला था, रट्टा मान लो, और कॉन्सेप्ट बताया था कि हम क्यों लिख रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं। डिटेल में कल चीज मैंने डिस्कस कर ली थी, ये क्वेश्चन करवा के पूरा सिखा दिया था मैंने। मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आप बाकी क्वेश्चंस का ना जो मेन टॉपिक होता है, मेन टॉपिक क्या है कि आपने राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करना होता है वो एक कॉन्सेप्ट के अंदर, तो हम वही देखेंगे। आप कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन में वही चीज हम सॉल्व करें, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना टाइम जाया है, शुरू में कोई खास चीज नहीं आपको लिखनी होती। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट वन तो बड़ा इजी था, ट्राई कर लेना। पार्ट टू मैंने कल करवा दिया था, पार्ट नंबर थ्री पे जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन का जो मेन मेन चीज है ना, मैं वो लिखूंगा, पूरा सवाल मैं नहीं करवाऊंगा। मेन चीज क्या होती है, सबसे पहले आपका एक सवाल लिखा हुआ होता है जिसको आपने प्रूव करना होता है। अच्छा, ये सवाल लिखा हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि क्या इस पूरी सीरीज का सम का फॉर्मूला यही है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करोगे? सबसे पहले अगर आपको याद हो तो आप बेस केस करते थे। बेस केस क्या होता था, एन की जगह वन पुट करते थे। जितने सवाल आपकी बुक में लिखे हुए हैं सारे उनके बेस केस ठीक होंगे, ऐसा नहीं कोई सवाल जिसमें बेस केस ठीक ना आ रहा हो, इसलिए वो बार बार करवाने का कोई फायदा नहीं है। बेस केस करते किस तरह है, एन की वैल्यू वन पुट करते हो और यहाँ पे जो पहली टर्म है इस पूरी चीज का आंसर वन के बराबर आना चाहिए, जो इसकी पहली टर्म होगी ना उसके बराबर आना चाहिए। तो जब आप एन यहाँ पे वन पुट करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे आंसर वन के बराबर आ रहा होगा। प्रेजेंटेशन किस तरह करनी है वो कल की क्लास मैंने सिखा दिया था, तो बेस केस तो आपने सीख लिया। फिर आप करते थे इंडक्टिव केस। इंडक्टिव केस में क्या होता था कि आप लिखते थे कि यार एज्यूम करो ये स्टेटमेंट ट्रू है एन इक्वल टू के ऊपर, और आप क्या लिखा करते थे, इसी चीज को आप के की फॉर्म में लिखते थे। ये हो जाएगा थ्री के माइनस टू, ये हो जाएगा के थ्री के माइनस वन अपॉन टू। उसके बाद आप लिखते थे कि यार हमें प्रूफ करना है कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे ट्रू है। के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में कैसे लगेगी, ऐसे लगेगी दिखने में, ये केयर टर्म है। अच्छा, इसके बाद वाली टर्म क्या होगी, ये तो केयर टर्म है ना, इसके बाद वाली टर्म होगी के प्लस वन। वो कैसे निकालोगे, इस जनरल टर्म में आप एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दो। ठीक है, तो एन की जगह पे मैंने के प्लस वन पुट किया, सॉल्व करो ये हो जाएगा थ्री के प्लस थ्री माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री के प्लस वन। इसका मतलब जो के टर्म के बाद वाली टर्म होगी वो क्या होगी, थ्री के प्लस वन होगी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी एन की जगह आप के प्लस वन पुट कर दो। रीजन मैंने कल की क्लास में हर बता दी थी आपको, दोबारा मैं बार बार नहीं बता रहा आप लोगों को। तो एन की जगह पे हम यहाँ पे के प्लस वन पुट कर देते हैं। ये चीज जो है बच्चों, ये आपको प्रूफ करनी है। मैंने बताया था कल कि आपको प्रूफ करना है कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे ठीक है, और के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में कैसे लगेगी, दिखने में ऐसे लगेगी आपकी स्टेटमेंट। तो असल चीज है राइट हैंड साइड लाना। राइट हैंड साइड लाना थोड़ा मसला होता है, लेफ्ट हैंड साइड तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब करते हैं आप किस तरीके से थे, जो आपने एज्यूम की थी ना स्टेटमेंट, इसको हम वन का नाम दे देते हैं। इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखो तो ये टर्म आपको नजर नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, इक्वेशन वन में दोनों तरफ आप ऐड करवा दोगे थ्री के प्लस वन को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप ऐड करवा दो थ्री के प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपने ऐड करवा दो थ्री के प्लस वन। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आप ऐड करवा दो। ठीक है, अब आपकी कोशिश क्या होनी है कि यार इसको मैं इतना सिंपलीफाई करूं कि ये चीज आ जाए। जैसे ही आपकी ये चीज आ गई, सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा, यही करना होता है आपने सवाल के अंदर। अब कैसे लाओगे, फिलहाल तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है, आप एक काम करो, टू को इससे मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इसके अंदर। तो पहले इनको सिंप्लीफाई करो, के को इससे मल्टीप्लाई करो, ये थ्री के स्क्वायर हो जाएगा, के को माइनस वन से करो माइनस के। जब आप टू को इससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करवा दोगे इसके अंदर, तो टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, और एलसीएम यहाँ पे क्या है, टू के बराबर है। मजीद सॉल्व करो, ये हो जाएगा थ्री के स्क्वायर प्लस सिक्स के माइनस के, ये हो जाएगा फाइव के प्लस टू अपनी जगह पे। अब मिडिल टर्म ब्रेक करो इसकी, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स के आपको फैक्टर बनाने हैं, तो सिक्स का आप एक ही फैक्टर बनाओगे, वो क्या है, टू थ्री जा, टू थ्री जा सिक्स होता है, और टू और थ्री को ऐड करोगे तो फाइव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लो, शुरू के दो टर्म में आपके पास कॉमन आ रहा है के, थ्री के प्लस टू, इन दो टर्म में से आपके पास कॉमन आ रहा है वन, तो थ्री के प्लस टू। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप पे होगा के
थ्री के प्लस टू तो कॉमन है, पहली ड्रम में से के आ रहा है, दूसरी में से वन आ रहा है, ये सिचुएशन बन गई। अब आपकी कोशिश क्या है, कोशिश है कि आपने राइट हैंड साइड से मैच करना है, क्या आपकी राइट हैंड साइड मैच हो रही है, देख लेते हैं। देखो के प्लस वन तो आ रहा है, नीचे टू भी आ रहा है, तो आप इसको इस तरह लिखो, के प्लस वन मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, नीचे टू आ रहा है, इस थ्री के प्लस टू को आप इस फॉर्म में लिखो बस, किस तरह कैसे, अगर आप देखो तो ये थ्री के प्लस टू है, अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये थ्री के प्लस टू आ रहा होगा, बस इस थ्री के प्लस टू को लिखने का तरीका क्या है कि आप इसको इस तरह लिख दो, क्या ये वाले अंदाज में, तो अगर आप इसको सॉल्व करो थ्री को कैसे करो, थ्री के थ्री को वन से करोगे, थ्री थ्री माइनस वन टू होता है, कहने का मतलब इस चीज को आपने इस अंदाज में लिखा। अब अगर आप देखो आपकी पूरी राइट हैंड साइड आपके पास आ रही है, जैसे आपके पास राइट हैंड साइड आ जाए सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, एंड पे वही दो जुमले लिख देते हो जो मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे। तो अब ये भी मैंने सवाल आपको बहुत बड़ा करवाया है, इसमें शुरू की चीजें लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल चीज राइट हैंड साइड है, ये वर्किंग है असल। तो अब बाकी सवालों में मजीद हम अपना कोशिश करेंगे कि इसी वर्किंग पे हम रहे, शुरू की जो कहानी है उसको हम ना ही पढ़े, ठीक है। तो मकसद आपने सीख लिया राइट हैंड साइड किस तरह मैच करनी है, सवाल आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी क्वेश्चन पार्ट नंबर फोर पे आ जाओ, पार्ट नंबर फोर पावर वाले थोड़ा देखने में शायद मसला कर सकता है आप लोगों को, मैं सवाल लिख देता हूं बाकी हम सिलेक्टिव ही लिखेंगे, ये सवाल लिखा हुआ है, और इसका भी किसके बराबर है, टू मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन टू की पावर है, अगेन वही करना है, सबसे पहले आप लिखोगे एज्यूम करो, बेस केस तो कर लेना, एज्यूम करो कि आपकी स्टेटमेंट के पे ठीक है, शुरू की टर्म को मैं स्किप कर रहा हूं, के पे आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, वन अपॉन टू के माइनस वन, यहां पे के पुट कर दो, तो ये आपकी स्टेटमेंट है के के ऊपर, जिसको आप इक्वेशन वन कहते हो, तो ये आपकी इक्वेशन वन है, मैं बस ये चीजें स्किप कर रहा हूं ताकि मेन चीज जो है उसी के ऊपर है। फिर आप लिखोगे कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे प्रूव करनी है आपने, के प्लस वन पे दिखने में आपको कैसी लगेगी, ये के टर्म है ना, ठीक है, तो इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी कि आप ओरिजिनल फॉर्मूले में एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दो, ठीक है, तो जब यहां पे एन की जगह के प्लस वन पुट करोगे तो वन से माइनस वन कैंसिल, जस्ट के बच जाएगा, तो इसके बाद वाली टर्म जो के प्लस वन टर्म है वो क्या हो जाएगी, वन अपॉन टू के हो जाएगी। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी आप यहाँ पे एन की जगह पे क्या पुट कर दोगे, एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दोगे, ठीक है, ये वो चीजें जो आपको प्रूफ करनी है, ठीक है, वही हर सवाल में एक इक्वेशन नंबर वन होगी और एक वो चीज जो आपको प्रूफ करनी होगी सवाल के अंदर। अब कैसे प्रूफ करोगे, वही इक्वेशन नंबर वन में आपने ऐड करवाना है दोनों तरफ, क्या ऐड करवाओगे, वन अपॉन टू के, लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करवा लेना, कोई बड़ी बात नहीं है लिखना, राइट हैंड साइड पे ऐड करवाने के बाद वर्किंग क्या होगी जरा उस पर आ जाओ, तो ये राइट हैंड साइड ऑलरेडी मौजूद थी, मैंने इसके अंदर क्या ऐड करवा दिया, वन अपॉन टू के। अब आपकी कोशिश क्या है कि इसको इतना सिंप्लीफाई करो कि ये चीज आ जाए, बस अभी कैसे करेंगे देख लो, यहां पे टू मल्टीप्लाई करें कर लेते हैं, चलो फायदा हो जाएगा, डायरेक्ट भी वैसे आप कर सकते हो लेकिन चलो सही है, टू को वन से मल्टीप्लाई करो, टू टू को इससे मल्टीप्लाई करो, ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये है वन अपॉन टू के, ये है माइनस टू अपॉन टू के, तो वन माइनस टू क्या होता है, माइनस वन के बराबर, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू के, ठीक है। अब मजीद आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, आपको ये चीज लानी है, अब ये चीज कैसे लाओगे, आप इस एक्सप्रेशन में से टू कॉमन ले लो, जब आप यहां से टू कॉमन लोगे तो पहली टर्म में से वन बचेगा। अब इस चीज को जहन में रखो, जब आप किसी टर्म से जबरदस्ती कुछ कॉमन लेते हो, अब आपको नजर आ रहा है कि इस टर्म में कहीं भी टू नहीं है, इसमें टू नहीं है ना, आपने कॉमन ले लिया लेकिन टू तो नहीं, इसमें टू था आपने टू कॉमन ले लिया, इसमें आपको कहीं भी टू नजर नहीं आ रहा और आपने वो कॉमन ले लिया, तो जब जबरदस्ती कोई चीज कॉमन लेते हो ना और वो उसके अंदर मौजूद ना हो, तो कंपनसेट करने के लिए क्या करते हो, उस चीज को डिवाइड कर देते हो जो चीज आपने कॉमन ली, जैसे मैंने टू कॉमन लिया ना तो आप टू नीचे डिवाइड कर दोगे, तो जो एक्स्ट्रा टू नजर आ रहा है ना वो क्यों मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने जबरदस्ती कैसे टू कॉमन लिया है, तो कंपनसेट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बात वही है कि जब इस टू को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, दोबारा आपके पास ये चीज आ जाएगी, सही। और टू को जब टू के से मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसकी पावर वन है, बेसिस सेम है, जब ऐड करोगे तो पावर ऐड हो जाएंगी के प्लस वन, और अगर आप देखो आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, तो पार्ट नंबर फोर में आपने इस तरीके से राइट हैंड साइड प्रूव कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कोई सवाल है तो पूछ लो, यहां तक सारा गेम ही है कि राइट हैंड साइड आप किस तरह प्रूव कर रहे हो। अब देखो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, अब किसी अगर सवाल है मसला तो आप लोग पूछ लेना,
जैसे पार्ट नंबर फाइव जो है पावर का फंक्शन है, देख लेना यार, इतना मसला नहीं होगा, अगर मसला हुआ तो पूछ लेना। पार्ट नंबर सिक्स, पार्ट नंबर सेवन, पार्ट नंबर एट, ये तकरीबन एक किस्म के सवाल है, आपको राइट हैंड साइड पे तकरीबन एक जैसी इनकी नजर आ रही है, तो मैं एक करवा देता हूं ताकि मेन आइडिया आपको क्लियर हो जाए। तकरीबन सब में आपने एक ही काम करना है। आई गेस पार्ट नंबर सेवन जो है वो देख लेते हैं। पार्ट नंबर सेवन में क्या लिखा हुआ है, मैं पीछे की सीरीज पूरी नहीं लिख रहा, जो मेन चीज है वो लिख रहा हूं। जनरल टर्म है 2n का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2 अपॉन 3n, n प्लस 1, 2n प्लस 1। वही पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका यहां पे होगा कि आप इसको लिखोगे k के लिए, ये आपने लिखा, जैसे वो स्टेप होता है ना, एज्यूम करो कि आपका जो स्टेटमेंट है वो के पे ठीक है, वो दिखने में आपको ऐसी लगेगी, जिसको आप इक्वेशन नंबर वन कहोगे। फिर आप लिखते हो नाउ वी शैल प्रूव दैट कि आपकी के प्लस वन पे भी स्टेटमेंट ठीक है, कैसी लगेगी दिखने में आपको। ये है आपके पास के टर्म, इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी, के प्लस वन टर्म कैसे निकालोगे, इस जनरल टर्म के फॉर्मुले में आपने एन की जगह पे के प्लस वन पुट करना है। तो ये फॉर्मूला था 2n, n की जगह में मैंने क्या पुट कर दिया, k प्लस वन पुट कर दिया, ये सिचुएशन आएगी। इसको सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा k प्लस वन का स्क्वायर। तो k प्लस वन टर्म क्या होगी, 4 मल्टीप्लाई k प्लस वन का स्क्वायर। इसी तरह इस वाले फॉर्मूले में जहां जहां n आ रहा है वहां पे k प्लस वन पुट कर दो। तो यहां पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया, इधर n आ रहा था तो यहां पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया, ये प्लस वन अपनी जगह पे। इसी तरह यहां पे n आ रहा है, यहां पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया, प्लस वन अपनी जगह पे। जहां जहां n आ रहा था वहां पे आपने k प्लस वन पुट कर दिया, ठीक है। ये वो चीजें जो आपको प्रूफ करनी है, मतलब इसकी राइट हैंड साइड आपको लानी है। अब सारी आपकी मेहनत होनी चाहिए, इक्वेशन नंबर वन में आप ऐड करवा दो, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप ये चीज ऐड करवा दोगे, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। फिलहाल मैं राइट हैंड साइड आपको बता रहा हूँ, राइट हैंड साइड में चीज ऐड करवाते हैं। ये राइट हैंड साइड आपके पास मौजूद है, इसमें आपने ऐड करवाना है 4 मल्टीप्लाई के प्लस वन का होल स्क्वायर। इसको इतना सिंप्लीफाई करना है कि ये चीज बन जाए। चलो आप सबसे पहले देखते हो कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा, तो दिखने में मुझे एक तो 2 कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा के प्लस वन कॉमन नजर आ रहा है, तो मैं यहां पे कॉमन ले रहा हूं 2 के प्लस वन। पीछे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा के अपॉन 3, के प्लस वन तो कॉमन ले लिया ना, तो 2 के प्लस वन, यहां से आपने 2 कॉमन लिया तो 2 बचा, और यहां पे k प्लस वन 2 है ना, तो 1 कॉमन लिया था, 1 बच गया आपके। अब आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, ऊपर वाली दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करो, इस 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इसके अंदर, तो 2 को k से मल्टीप्लाई करो 2k, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6k, 2 को 1 से करो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, ये आपकी सिंप्लीफिकेशन हो गई। अब आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि किसी तरह राइट हैंड साइड जैसी आप कोशिश करो चीजें ले आओ। कैसे लाओगे, देखो 2 और 3 इनको एक साथ लिख लो, क्योंकि राइट हैंड साइड पे आपको 2/3 नजर आ रहा है, फिर आपको के प्लस वन नजर आ रहा है, आप के प्लस वन लिख लो। फिर ये जो चीज है ना, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है इतना कि आपके पास ये चीजें आ जाए। अभी कैसे करोगे, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करो, ये है 2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 7k, इनफैक्ट यहां मिडिल टर्म ब्रेक, आप पहले इसको सॉल्व करोगे ना, 7k हो जाएगा, चलो पहले इस तरह कर लेते हैं, प्लस 6 अपनी जगह पे, मिडिल टर्म ब्रेक करो, 2 6 12 12 के आपको फैक्टर बनाने, 12 के फैक्टर बनेंगे 4 3, तो शुरू की दो टर्म को कॉपी करो, फैक्टर बनाओ 4 3, ये हो जाएगा 4k प्लस 3k प्लस 6, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कॉमन लोगे, यहाँ पे 2 फैक्टर आपने बनाने, में डायरेक्ट तो 2 फैक्टर लिख देता हूँ क्या बन रहे होंगे, आप यहाँ पे कॉमन ले लेना, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूं यहाँ पे, आप यहां से जब कॉमन लोगे 2k तो अंदर आएगा k प्लस 2, तो एक फैक्टर बन रहा होगा k प्लस 2 और एक फैक्टर बन रहा होगा 2k प्लस 3, करके देख लेना, जब इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करोगे ना, तो ये 2 फैक्टर बन रहे होंगे। तो अब आपने इन दोनों चीजों को किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे, देखो 2/3 k प्लस 1, ये तो अपनी जगह पे, अगर आप गौर करो यहाँ पे k प्लस 2 है, ये भी k प्लस 2 है, पर लिखा हुआ डिफरेंट अंदाज में, k प्लस 1 प्लस 1 है तो k प्लस 2,
तो आप इस के प्लस टू को इसी अंदाज में लिख दो, के प्लस वन और प्लस वन। इसी तरह यहां पे लिखा हुआ टू के प्लस थ्री, ये भी वही है, टू को इसे मल्टीप्लाई करो टू के, टू को वन से करो टू, टू प्लस वन थ्री, तो टू के प्लस थ्री को आप इस तरह लिख सकते हो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो एग्जैक्ट आपकी राइट हैंड साइड आ गई, जो आपके पास था आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये चीज आ गई, सवाल आपका यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो कोई नया काम नहीं करना हर सवाल के अंदर, बस एक ही आपका मकसद है, एक ही गोल है, किसी तरह राइट हैंड साइड आ जाए बस। तो जितने तीन सवाल मैंने बताए थे ना, सिक्स सेवन एट, उस सब पे आपने ये काम करना है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इसी तरह पार्ट नंबर नाइन जो है वो भी बच्चों आप लोग ट्राई कर लेना, कोई नई बात नहीं है उसके अंदर। अगर राइट हैंड साइड ना आ रही हो ना तो पूछ लेना मुझसे, बड़े इजी सवाल है, हो जाएंगे आसानी से। मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूँ बेहतर है अपने पास गाइड एक परचेज कर लो, जो सवाल आपको होमवर्क मिलता है, अगर नहीं समझ आ रहे तो बंदा थोड़ी गाइड से हेल्प कर लो। ये नहीं कि गाइड ही पे हर चीज कर लो, क्योंकि गाइड में कितने सॉल्यूशन ऐसे होते हैं डायरेक्ट किए होते हैं या कोई बहुत ही लंबी की भी है उसके अंदर, लेकिन गाइड को हेल्प के लिए तौर पे अच्छी चीज होती है कि आपके पास एक गाइड हो। तो पार्ट नंबर नाइन देख लेना, अगर कहीं फंसो, नहीं समझ आ रहा हो, राइट हैंड साइड नहीं मैच कर रही हो, तो मुझसे पूछ लेना। जो पार्ट नंबर 10 और 11 है ना, क्योंकि 12, 13, 14 तो मैंने कल बताया था, छोड़ दो, जनरलाइज सवाल है, फालतू सवाल है, करने की जरूरत नहीं है। आइडिया जब क्लियर हो गया, बिलफर्ज अगर पेपर में आ भी गया तो आप लोग कर लोगे आसानी से, क्योंकि आइडिया आप लोगों को क्लियर है। तो पार्ट 10 और 11 जो है ना उस पर आ जाते हैं, और उसके बाद जो बाकी दो क्वेश्चन है उनको भी कर लेंगे। जरा इसको मैं मिटा देता हूँ, चलो ऐसे ही रहने दो इसको। पार्ट 10 में क्या लिखा है, पार्ट 10 में लेफ्ट हैंड जो पूरी लेफ्ट हैंड साइड है उसको इग्नोर करो। असल जनरल टर्म क्या है पार्ट नंबर 10 के अंदर, एन मल्टीप्लाई टू की पावर एन, और फॉर्मूला है एन माइनस वन टू की पावर एन प्लस वन प्लस टू, ये फॉर्मूला है, हमारा मेन मकसद यही है। अच्छा जी, कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले वही के की फॉर्म में आप लिखोगे यहां पे, तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई टू के, इसी तरह ये हो जाएगा के माइनस वन टू की पावर के प्लस वन, जहां जहां एन आ रहा था वहां पे आपने के लिख दिया, इसको आप इक्वेशन नंबर वन बोलोगे। उसके बाद आपको के प्लस वन पे प्रूफ करना था, ये तो के प्लस वन पे कैसे प्रूव होगा, अगेन वही चीज, जो आपके पास जनरल टर्म है ना, देखो इसकी केथ टर्म तो यही है, केथ टर्म क्या है, के मल्टीप्लाई टू के, इसके बाद वाली टर्म जो है वो क्या होगी, के प्लस वन टर्म होगी ना, कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट कर दो, एन की जगह पे पुट करो के प्लस वन, इसी तरह पावर में भी एन की जगह पुट कर दो के प्लस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड पे टर्म आ गई। राइट हैंड साइड पे भी आप क्या करोगे, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे के प्लस वन पुट कर दोगे। तो सबसे पहले यहां पे एन की जगह के प्लस वन पुट कर दिया, टू में यहां पे एन की जगह पे आपने पुट कर दिया के प्लस वन, और ये प्लस टू जो है अपनी जगह पे, ये वो राइट हैंड साइड है जो आप लाना चाह रहे हो, जो आपका मेन फोकस है, जो आपको लाना है, ठीक है। अब कैसे लाओगे, क्या आप एड करवाओगे, ये वाली टर्म, ये वो टर्म है जो आप इक्वेशन नंबर वन में दोनों तरफ आपने ऐड करवानी है, तो आप लिखोगे वही बाय एडिंग दिस टर्म टू द इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। तो कैसे आएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लेना, इस पूरी चीज को ऐड करवा देना, लेफ्ट हैंड साइड की वर्किंग आप लोग देख लेना, राइट हैंड साइड की मैं बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में पहले मौजूद क्या है, के माइनस वन टू मल्टी टू की पावर के प्लस वन प्लस टू, ये ऑलरेडी मौजूद था, आपने क्या ऐड करवाया, आपने ये चीज ऐड करवाई है, ये आपने ऐड करवा दिया, ठीक है। आप देखो सिंपल, देखो क्या चीज कॉमन, ज्यादातर सवालों में कॉमन आ रहा होता है कुछ, तो आप देखो कॉमन क्या आ रहा है, टू के की पावर टू की पावर के प्लस वन कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा के माइनस वन, और यहां से क्या बचेगा के प्लस वन, तो पहली टर्म और आखिरी टर्म में से आपने टू की पावर के प्लस वन कॉमन ले लिया, ये प्लस टू जो है इससे कुछ कॉमन नहीं लिया, इसको एज ए साइड पर माइनस वन से वन कैंसिल, अंदर क्या है के प्लस के जो के बराबर होगा टू के के। अब आप देखो राइट हैंड साइड किस तरह आएगी, ये चीजें जो आपने लानी है, प्लस टू तो देखो अपनी जगह पे, उसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है किसी तरह। तो देखो पावर में अगर आप देखो के प्लस टू है, असल में पावर में अगर आप देखो के प्लस टू आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप क्या करो एक टू को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर में के प्लस टू आ जाएगा। कैसे, सबसे पहले इस के को ना मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं अभी फिलहाल, इस टू को मल्टीप्लाई कर दो, टू को मल्टीप्लाई करोगे के प्लस टू हो जाएगा। कैसे, टू की पावर के प्लस वन मौजूद था, आपने टू मल्टीप्लाई किया, अलजबरा का रूल है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होती है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर के प्लस वन है, ऐड करोगे के प्लस टू हो जाएगा, जो मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और ये प्लस टू अपने जवाब है। अब आप इसको इस फॉर्म में लिख दो, कैसे, ये जो के है ना, के को आप इस तरह लिख सकते हो, के प्लस वन माइनस वन, एक ही बात है,
वन माइनस वन कैंसिल होंगे, दोबारा के आ जाएगा। इसी तरह के प्लस टू को कैसे लिख सकते हो, के प्लस वन प्लस वन, और ये प्लस टू अपनी जगह पे। अब आप देखो एग्जैक्ट आपकी राइट हैंड साइड मैच कर रही है, जैसे राइट हैंड साइड आ गई सवाल आपका कंप्लीट। ठीक है, अब आखिरी सवाल है 11, जिसमें वो फैक्टोरियल देखना है, उसको भी जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या सवाल मौजूद है? हमारा वही फोकस हमेशा होगा जनरल टर्म से, उससे पहले जो है वो फिलहाल वो फोकस ही रखना। डॉट 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 के बाद क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 11 के अंदर, एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन। ये फैक्टोरियल वाली कहानी मैंने चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को बताई थी डिटेल में, पूरी लॉजिक हर चीज इसके बारे में बताई थी। ये सवाल आपके पास गिवन है। अगेन पहला स्टेप क्या कि आपने के लिए रिज्यूम करना है, तो जहां एन आ रहा है वहां पे आपने के पुट कर देना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी। फिर आप क्या लिखते हो कि एज्यूम करो कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो, एक सेकेंड, आपने एज्यूम करना होता है, बल्कि आपको यहां पे प्रूफ करना होता है कि आपकी स्टेटमेंट के प्लस वन पे भी ठीक है या नहीं, ये आपको प्रूफ करना होता है। तो सवाल है कि के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट नजर कैसे आएगी, वो आप कैसे लिखोगे? ये तो इसकी kth टर्म है ना, इसके बाद वाली टर्म कैसे आएगी? आप इसके अंदर के प्लस वन पुट करो, तो एन की जगह पे के प्लस वन पुट करो, इसी तरह यहां पे एन की जगह के प्लस वन पुट करो, तो ये है आपकी के प्लस वन टर्म। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी एन की जगह पे आपने पुट कर देना है के प्लस वन। ठीक है, ये वो चीज है जो आपको मालूम करनी है, मतलब आपको प्रूफ करना है ये के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट है। मेनली आपने राइट हैंड साइड जो है वो यहाँ पे प्रूफ करनी है, वो आपका मेन मकसद है। तो कैसे पूरा होगा, वो इक्वेशन नंबर 1 में आपने ऐड करना है, दोनों तरफ क्या ऐड करोगे ये पूरी चीज आपने ऐड करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर देना, राइट पे भी ऐड कर देना, मैं राइट वाली वर्किंग बता रहा हूं आप लोगों को। तो राइट साइड पे ऐड करो के प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई के प्लस वन। ठीक है, के प्लस वन फैक्टोरियल इन दो टर्म से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, इस वाली टर्म में से वन बचेगा, इसमें से जब ये कॉमन ले लिया पीछे क्या बचेगा के प्लस वन, और इस माइनस वन को एज इज लिख दो। के प्लस वन फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दिया के प्लस टू से, वन प्लस वन टू होता है ना, के प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई के प्लस टू, ये के प्लस टू है, ये क्या होगा? देखो कॉन्सेप्ट को जहन में रखो, फैक्टोरियल को जब आप उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो फैक्टोरियल बड़े में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर आप 3 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, अगर आप 10 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो ये 11 फैक्टोरियल हो जाएगा। सेम वही चीज अगर के प्लस 1 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे के प्लस 2 से तो ये क्या हो जाएगा के प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब राइट हैंड साइड मैच कैसे करोगे, इस के प्लस 2 को बस आप थोड़ा अरेंज करके लिख दो k प्लस वन प्लस वन, दैट्स इट, आपकी राइट हैंड साइड मैच कर गई है। तो इन सवालों में मेन मकसद आपका क्या होता है, राइट हैंड साइड मैच करना, वो आपने मैच कर दी। ठीक है, तो प्रिंसिपल इंडक्शन में एक किस्म के सवाल आपके कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें आपके पास एक सीरीज गिवन होती थी, उसका फॉर्मूला गिवन होता था और आपको प्रूफ करना होता था क्या इस सीरीज का फॉर्मूला सही है या नहीं है। अब दूसरे किस्म के सवाल जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, और वो 2-3 सवाल ही हैं, एक समझोगे तो आसानी से समझ आ जाएगा बाकी भी। तो वो सवाल क्या है कि आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी कि यार ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है इस नंबर से या नहीं, ये भी एक स्टेटमेंट है ना कि क्या ये पूरी चीज डिवाइड हो रही है इससे या नहीं, वो आप चेक करोगे। तो वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, मतलब वही स्टेप्स हैं जिनके जरिए से आपने प्रूफ करना है। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है कि पूरी एक्सप्रेशन जो है इज डिविजिबल बाय 49, ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि पूरी चीज जो है वो 49 से डिवाइड हो रही है। अब कैसे प्रूफ करोगे जरा आ जाओ उसके ऊपर, इसका प्रोसीजर क्या है, एक सवाल करवा रहा हूं, वैसे तो 3 पार्ट है ना, एक पार्ट करवा रहा हूं, बाकी 2 पार्ट आपने उसी पैटर्न पे करने होंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है कि 2 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 28n माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 49, और आगे क्या लिखा हुआ है, ये उल्टा एक, उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसका मतलब n जो है वो नेचुरल है, पॉजिटिव इंटीजर जिसको आप कहते हो, इस स्टेटमेंट को आपने प्रूव करना है। अब इसके जरा स्टेप्स देख लो, किन स्टेप्स के जरिए से आप प्रूफ करते हो, अगेन
कॉन्सेप्ट वही है, वही बेस केस इसमें होगा, वही इंडक्टिव केस होगा। बेस केस में क्या होगा, n इक्वल टू वन पे आप चेक करोगे कि क्या n इक्वल टू वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, वेरीफाई फॉर n इज इक्वल टू वन। n इसको नाम देते हैं प्रोपोजिशन है कि, तो आप लिख सकते हो वेरीफाई प्रोपोजिशन फॉर n इज इक्वल टू वन। क्या ये वन पे स्टेटमेंट ठीक है नहीं है, ये बेसिक बात होनी चाहिए, पता होना चाहिए आपको। आप पुट करके देखते हैं, आप इस एक्सप्रेशन के अंदर वन पुट करो, n की जगह वन पुट कर दिया मैंने, इसी तरह यहां पे भी n की जगह वन पुट कर दिया, सॉल्व करो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बाद आप लिख सकते हो ये कि 3 + 2 क्या होता है, 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 28 - 4, 2 की पावर 5 क्या होता है 32, -28 - 4 ये हो जाएगा -32, आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। याद रखो ये दो चीजें होती हैं, फर्क इसमें है, जरा इंग्लिश का समझना, 0 इसको इस तरह समझो कि 0 / 49 या 49 / 0, ये दोनों अलग चीजें होती हैं, इसी को ध्यान में रखना, 0 / 49 या 49 / 0 दोनों का अलग मतलब होता है। 0 / 49 का मतलब ये है, जबकि 49 / 0 का मतलब ये है, दोनों चीजों में फर्क है, ये तो अनडिफाइन हो जाएगा, पुराने चैप्टर से मैंने बताया है, जबकि ये चीजें सिंपल 0 हो जाएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो, 0 / 2 0 होता है, 0 / 10 0 होता है। अच्छा जब आप बोलते हो ना कि यार इस डिविजिबल बाय, जब ये जुमला बोलते हैं ना, क्या 5 डिविजिबल है फॉर एग्जाम्पल 1 से, क्या 10 डिविजिबल है 2 से, तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जब आप डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर 0 आए, जिसको आसान लैंग्वेज में इस तरह बोल सकते हो कि जब आप डिवाइड करो तो आंसर आपका डेसिमल में ना आ रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या 10 डिवाइड होता है 3 से, नहीं, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्यों, क्योंकि जब 10 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आंसर पॉइंट में आ रहा होगा, आंसर आपका आ रहा होगा 3.33 समथिंग आ रहा होगा, तो अगर पॉइंट में आंसर आ रहा है सिंपल लैंग्वेज में तो इसका मतलब वो चीज डिविजिबल नहीं है। हाँ आप ये लिख सकते हो कि 12 इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 3 क्या होता है 4 के बराबर होता है, रिमाइंडर 0, कोई डेसिमल नहीं आपके पास आ रहा होगा, ये डिविजिबल का मतलब होता है। तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर ये डिविजिबल है, 0 डिवाइड बाय 2 0 आता है, ठीक है, 0 डिवाइड बाय 10 0 आता है, तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो वो एग्जैक्ट डिवाइड होता है, आंसर में आपके पास कोई पॉइंट या कुछ रिमाइंडर नहीं आपके पास आता, रिमाइंडर भी 0 होता है, कोई डेसिमल नहीं आता, इनफैक्ट आपके पास 0 आ रहा होता है यहां पे, ये मैंने करेक्ट आपको निशानी बता दी है। तो जब भी आपके पास आंसर में 0 आ रहा है, नॉर्मली बेस केस में आपके पास कभी 0 आ रहा होता है, तो समझ जाना 0 पे वो चीज आपकी हमेशा डिवाइड हो रही है। तो आप ये लिख सकते हो कि सिंस 0 इज डिविजिबल, एक सेकेंड, अच्छा तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 0 इज डिविजिबल बाय 49, देयरफॉर पी ऑफ 1 इज ट्रू। पी ऑफ 1 का मतलब जो आपकी प्रोपोजिशन है वो n की 1 वैल्यू पे ट्रू है, जो बेस केस होता है वो आपका सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप क्या करते हो यहां पे, अब एज्यूम करते हो, आप एज्यूम वाला स्टेप क्या होता है, एज्यूम पी ऑफ n इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज आप एज्यूम करो कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो k पे ट्रू है। k पे ट्रू का मतलब ये है कि आप यहां पे अगर स्टेटमेंट में n की जगह पे k पुट करो, जहां जहां एन आ रहा है वहां पे के पुट करो, तो ये स्टेटमेंट पूरी डिविजिबल होगी 49 से। एज्यूम आपने किया कि आपकी स्टेटमेंट एन इज इक्वल टू के पे ट्रू है, इसका मतलब क्या है कि जब आप एन की जगह पे के पुट करोगे तो जो पूरी स्टेटमेंट है वो डिविजिबल है 49 से। ये यहां तक आपने करना होता है, ठीक है। अच्छा यहां पे ना वो वाला स्टेप नहीं है, एक सेकेंड, हाँ वो वाला स्टेप नहीं है यहाँ पे कि आप लिखते थे ना कि नाउ वी शैल प्रूव दैट एन इक्वल टू के प्लस वन, और के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में कैसे लगेगी, वो दिखने वाली चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको प्रूफ करना है कि एज्यूम तो आपने कर लिया कि के पे आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये पूरी चीज जो है डिवाइड हो रही है 49 से। आपको प्रूफ ये करना है कि के प्लस वन पे भी आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल है 49 से, ये आपने प्रूफ करना है कि के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल है 49 से, ठीक है। अभी कैसे प्रूफ करोगे जरा उस पर आ जाओ, आप क्या लिखोगे, आप फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, n इज इक्वल टू के प्लस वन, आपने प्रूव ये करना है कि k प्लस वन पे भी आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल होगी 49 से। अभी कैसे प्रूफ करोगे देख लेते हैं। आप n जहां जहां आपको क्या कहते हैं
एन नजर आ रहे ना, वहां पे आप क्या पुट करोगे, के प्लस वन पुट करोगे। तो एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दिया, एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दिया, ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो 3k + 3 + 2, ये हो जाएगा -28k - 28 - 4। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3k + 5 - 28k, ये हो जाएगा -32। तो k प्लस वन जब आप पुट कर रहे हो, अब आपको किसी तरह, जब आपने k प्लस वन पुट किया ना, तो k प्लस वन पुट करने के बाद आपने किसी तरह प्रूफ करना है कि k प्लस वन पे पूरी स्टेटमेंट 49 से डिवाइड हो रही है, ये प्रूफ करना है। अब k प्लस वन पुट करने के बाद ये आपकी स्टेटमेंट है। अब अभी दिखने में आप कैसे कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट 49 से डिवाइड हो रही है, आपके पास अभी कोई कह सकते हैं ना, कोई आपके पास यहां पे रीजन नहीं है जिसके तहत आप कहो कि ये पूरी चीज 49 से डिवाइड हो रही है। अभी आपके पास कोई ऐसी रीजन नहीं है, जबकि आपको प्रूफ करना है कि k प्लस वन पुट करने के बाद जो आपकी एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल है 49 से। अभी कैसे प्रूफ करोगे, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जब आपने k प्लस वन पुट किया है ना, तो ये स्टेटमेंट आपकी किसी तरह, इस स्टेटमेंट में आपने ये चीज ले आनी है, क्योंकि आपको पता है ये डिविजिबल है 49 से। अगर आप किसी तरह इस स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, क्योंकि इसका आपको पता है कि ये डिवाइड कर रही है 49 से। इसके बारे में आपको नहीं पता, यही तो प्रूफ करना है आपको, इसके बारे में नहीं आपको भी फिलहाल पता, लेकिन आपको इसके बारे में पता है कि ये चीज 49 से डिवाइड कर रही है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस चीज में किसी तरह ये चीज ले आओ। अब कैसे लाओगे, अगर आप देखो यहां पे पहली टर्म है 3k + 5, इधर है 3k + 2, कैसे लाओगे, ब्रेक कर दो इसको, आप इसको इस तरह लिख सकते हो 3k + 3 + 2। अच्छा, ये काम मैं यहां पे भी कर सकता था, ये मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, मैं ऐसे ही रहने देता, लेकिन वो रट्टा मारने वाली बात होती, मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया पूरा। अब मैं आपको बता रहा हूं आपने करना क्या है, आपने किसी तरह ये चीज लानी है। अब ये चीज लाने के सारे स्टेप मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये करने के बाद बाकी चीजों को फिलहाल ऐसी रहने दो, उसमें भी खैर आप फर्क कर सकते थे, लेकिन फिलहाल ऐसी रहने दो उसको। अब देखो आपको 3k + 2 चाहिए, 3k + 2, ये दरमियान का 3 जो है ये फालतू है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस तरह, वही बात है, बेसिस सेम होंगी तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो आप इसको लिख सकते हो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 3k + 2, एक ही बात है, चीज को लिखने का दूसरा तरीका। तो अगर आप देखो आपके पास 2 की पावर 3k + 2 आ गया, इतनी लाइफ तो आपकी आसान होगी, सही। अब गौर से समझना जो मैं यहां पे बताने लगा, ये चीज तो आपको चाहिए थी लेकिन ये आपको फ्री में मिल गई है, मतलब जो चीज आपको चाहिए ना वो तो ये है, लेकिन मसला क्या है यहां पे, ये चीज भी आपको साथ में मिल रही है, जबकि आपको जस्ट ये चीज चाहिए थी, आपको जस्ट 2 की पावर 3k + 2 चाहिए था, लेकिन आपको एक्स्ट्रा 2 की पावर 3 भी मिल रही है, जिसको अगर आप चाहो तो इसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। तो इसका हल आप क्या निकालोगे, आप यहां से 8 कॉमन ले लोगे, जब आप 8 कॉमन ले लोगे ना तो इस टर्म में से ये चीज बच जाएगी, ठीक है। तो हमने 8 हटाने के लिए क्या किया, 8 हम कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म में से, तो जब इस टर्म में से मैं 8 कॉमन लूंगा मेरे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो अब खाली मैं इस टर्म में से 8 कॉमन नहीं लूंगा ना, मुझे बाकी टर्म में से भी 8 कॉमन लेना पड़ेगा। अब बाकी टर्म में से 8 कॉमन लेना है आपने, और साथ साथ आपके पास बाकी 2 टर्म भी आनी चाहिए, जरा इस लॉजिक को समझो, आपके पास ये तीनों टर्म आपने लानी है, पहली टर्म तो आप ले आए, ये बाकी 2 टर्म भी तो आपको लानी है, और मुश्किल बात क्या है कि 8 कॉमन लेने के बाद ये 2 टर्म आनी चाहिए आपकी। अगर आप अभी इसमें से 8 कॉमन लोगे ना तो ये टर्म नहीं आ रही होगी, 8 कॉमन लेने के बाद ये 2 टर्म आप लाओगे। अभी कैसे लाओगे जरा समझना इसको, अभी आपको, आप इसको मैं किस तरह बताऊं, आप किस तरह 8 ले आओ, यहां पे देखो आपको -28k चाहिए, -28k ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जब आप इससे 8 कॉमन लोगे तो फिर ये नहीं रहेगा ना, आप क्या करो, आप अपनी तरफ से इसको इस तरह ले, मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि जब मैं इसमें से 8 कॉमन लूंगा तो -28k अपनी जगह में मौजूद है, मेरा मेन फोकस ये 3 टर्म लाना है, जरा आप अपने गोल को समझो, इन 3 टर्म को लाना है, इन 3 टर्म में दूसरी टर्म क्या है, -28k जो कि ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जब मैं इसमें से 8 कॉमन लूंगा, और अगर मैंने इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो अब तो ये चेंज हो जाएगी, जबकि मैंने इसको चेंज नहीं करना, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से यहां पे 8 लगा दिया। अब क्या होगा, जब मैं 8 कॉमन लूंगा तो ये एज इट इज -28 के आ जाएगी, जो मुझे चाहिए यहां पे, लेकिन अब मैंने अपनी तरफ से कुछ भी काम किया है तो कंपनसेट तो करना पड़ेगा, जब मैंने -8 की ट्रम अपनी तरफ से लगा दी तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, +8 की ट्रम भी अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी,
क्योंकि जब आप अपनी तरफ से कोई काम करते हो तो कंपनसेट भी करना पड़ता है आप, ठीक है। अब आ जाओ इस ड्रम के ऊपर, मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे यहां पे माइनस फोर चाहिए। फॉर्चुनेटली जब मैं इसमें से एट कॉमन लूंगा तो यहां पे माइनस फोर बच जाएगा, तो इधर मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। मैं जब यहां से एट कॉमन लूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास माइनस फोर आ जाएगा जो मैं चाह रहा हूं यहां पे। तो तीसरी ड्रम के आपको कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो माइनस 32 को इस तरह लिख दो, 8 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो जब आप यहां से 8 कॉमन लोगे आपके पास 4 बच जाएगा जो आपको चीज चाहिए, ठीक है। तो अब एक्स्ट्रा चीज आपने एड सब्ट्रैक्ट की थी, ठीक है। अब आखिरी चीज ये वाली ड्रम जो है इसको तो आपने इग्नोर कर दिया ना अभी तक, तो इसको आप यहां पर लिख दोगे। क्यों इग्नोर, क्या मतलब इसका भाई, देखो जरा समझो, ये ड्रम आपने अपनी तरफ से लिख दी, कंपनसेट करने के लिए आपने ये लगा दी, तो सवाल है कि ये ड्रम कहां पे गई, तो ये ड्रम मैंने यहां पे लिख दी। इसको इस तरह समझो कि इसको मैंने उठा के साइड पे रख दिया, अब दरमियान में जगह खाली है, मैंने अपनी तरफ से नेगेटिव 8 की ड्रम तो कंपनसेट करने के लिए पॉजिटिव 8 की ड्रम, 32 को मैंने इस तरह लिख दिया, तो सवाल है कि -28 के कहां पे गई, इसको मैंने साइड पे कर दिया था ऑलरेडी। जब मैं अगला सवाल करवाऊंगा ना दोबारा जब ये काम करेंगे तो मजीद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो काम की ड्रम नहीं थी उसको मैंने पहले फालतू कर दिया, मतलब साइड पे कर दिया मैंने उसको, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मैंने लिखा, फिर कंपनसेट करने के लिए वो चीज मैंने लिखी और जो फालतू थी मैंने उसको साइड पे कर दिया। अब फायदा ये होगा कि मैं क्या करूंगा, मैं शुरू की 3 ड्रम में से 8 कॉमन ले सकता हूं, तो जब मैं 8 कॉमन लूंगा मेरे पास एग्जैक्ट ये चीज आ रही होगी जो मुझे चाहिए थी, और बाकी को भी सिंप्लीफाई कर लू, 8 को 28 से करो, ये बेसिकली हो जाएगा 728 के, 7 को 28 से करते तो क्या आता है, आई गेस 196 आता है, याद आ रहा है ना, 7 मल्टीप्लाई 28, हाँ 196 आता है। तो जब आप इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करोगे ना तो आंसर आपके पास आ रहा होगा 196 से। हर सवाल में ऑब्जर्व करोगे एक ये वाली टर्म पूरी बन रही होगी और एक एक्स्ट्रा कोई टर्म यहां पे आ रही होगी। अब असल बात थी जो आपको प्रूफ करनी थी कि के प्लस वन पे क्या आपकी स्टेटमेंट 49 से डिवाइड हो रही है, इस स्टेज पे जब आप पहुंचोगे तो आप बोल सकते हो कि स्टेटमेंट 49 से डिवाइड हो रही है। कैसे पता चला मुझे, इस चीज को जरा गौर से समझो कि अगर आपके पास कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 4 जो है इज डिविजिबल बाय 2, आपको पता है 4 डिविजिबल है 2 से, सिंपल सी बात है, 4 डिवाइड बाय 2 2 आता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई डेसिमल नहीं आपको। जब 4 डिवाइड हो रहा है 2 से, अगर आप 4 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तब भी वो 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 4 को मैं यहां से मल्टीप्लाई कर देता हूं 10 से, तो अब भी ये डिविजिबल है 2 से। अब भी जब इस पूरी चीज को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो डेसिमल नहीं आ रहा होगा। बताना मैं क्या चाह रहा हूं, जब कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल होता है ना, तो अगर आप उस नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो अभी भी वो डिविजिबल ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। जैसे 9 जो है वो डिविजिबल है 3 से, अगर 9 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर आ रहा है वो भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो वही चीज है, देखो ये पूरी चीज डिविजिबल है 49 से, आपने अभी पढ़ा था कि ये पूरी चीज डिविजिबल है 49 से, तो ये पूरी चीज जब डिविजिबल है 49 से, अगर आप इसको 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो अभी भी डिविजिबल रहेगी ये, तो इसका मतलब ये पूरी चीज जो है ये डिविजिबल है 49 से, इसका तो हमें कंफर्म पता है। क्या ये चीज डिविजिबल है, नहीं, इसको जरा देख लेते हैं। 196 क्या है, 196 49 से डिविजिबल है, अगर आप 49 को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो 196 आता है, इसका मतलब 196 डिविजिबल है 49 से। और अगेन वही कॉन्सेप्ट है, 196 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो उसकी डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 196 डिवाइड हो रहा है 49 से तो 196 को आप बेशक के से मल्टीप्लाई कर दो अब भी वो डिवाइड हो रहा होगा 49 से। तो इन जुमलों को आप किस तरह लिखोगे, बुक में किस तरह लिखा हुआ है। अच्छा मैं बताना भूल गया कि ये जो स्टेटमेंट होती है ना एज्यूम करने वाली, इसको आप हाइपोथेसिस कहते हो, कि आपने हाइपोथेसिस दिया कि यार एज्यूम कर लो के पे ठीक है, और फिर एक और चीज होती है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है कि के प्लस वन पे आपके स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, तो उसको हाइपोथेसिस और कंक्लूजन भी आप कहते हो, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस है ना उसने हमें बताया था कि ये चीज डिविजिबल है 49 से, जिसको बुक वालों ने ऐसे लिखा हुआ है कि बाय अवर हाइपोथेसिस, पूरा लिख लेना हाइपोथेसिस, ये जो पूरी चीज है ये डिविजिबल है 49 से। हमने अभी हाइपोथेसिस के अंदर चीज लिखी थी कि ये पूरी चीज डिविजिबल है 49 से, तो ये मैंने लिखा कि बाय अवर हाइपोथेसिस दिस थिंग जो भी है इज डिविजिबल बाय 49, ठीक है। और जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी डिविजिबल रहेगा, वही मैंने बताया था। और अब रही बात दूसरी टर्म की, तो आप कह सकते हो एंड
196 के इज ऑब्वियसली, ये बुक ने ऑब्वियसली यूज किया हुआ है डिविजिबल बाय 49, कि 196 के भी डिविजिबल है 49 से, भाई सेंस बना रहा है 196 डिविजिबल है तो 196 के भी डिविजिबल होगा. देयरफॉर एंड पे लिख देना, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज आल्सो डिविजिबल बाय 49 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो आप इसके आगे लिख देना वर्डिंग के देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है, जब भाई एक एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स अलग अलग 49 से डिवाइड हो रही है तो पूरी एक्सप्रेशन फिर 49 से डिवाइड होगी. जैसे 6 डिवाइड होता है 2 से, 4 डिवाइड होता है 2 से, तो जो पूरी एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करोगे तो वो भी डिवाइड होगा 2 से. लॉजिक है ना ये, इसमें तो कोई शक नहीं है. 15 डिवाइड होता है 3 से, 21 डिवाइड होता है 3 से, जब आप इसको ऐड करोगे रिजल्ट में 36 आएगा, 36 भी तो 3 से डिवाइड होता है, तो वही चीज है, ये भी 49 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 49 से डिवाइड हो रहा है. इसका मतलब इन दोनों का जो ऐड करोगे तब भी जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगी वही 49 से डिवाइड हो रही होगी. तो लिख देना देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज आल्सो डिविजिबल बाय 49 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. तो जब ये प्रूव हो गया तो अब आपने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया, देयरफॉर ये स्टेटमेंट जो है ये डिविजिबल है 49 से. लिख देना हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, या नेचुरल नंबर भी आप लिख सकते हो यहां पे. इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, ठीक है. तो मेन आइडिया, मेन वर्किंग ये है, खासतौर पर ये वाली वर्किंग जो 2-3 स्टेप है ना, ये बच्चों के फंसते हैं, उनको नहीं पता कि यार आपने इस फॉर्म में कैसे लाना है. तो मैंने बहुत डिटेल में आपको चीज बताई है, ठीक है. इसी तरह ये काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, एन की वैल्यू 1 पुट करके कोई खास कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, असल ये चीज है जो मसला करती है बच्चों का. लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का डिटेल में बता दिया था कि क्वेश्चंस को किस तरीके से आपने सॉल्व करना है. टॉपिक क्या होता था कि एक एक्सप्रेशन गिवन होती है और आपको बताना होता था कि डिविजिबल है फलाने नंबर से या नहीं. तो हमने एक मेन मेन प्रोसीजर कल देख लिया था पेपर में, किस तरीके से प्रेजेंटेशन आप लोग बनाओगे, किस तरह सॉल्व करोगे, वो सब चीजें हमने देख ली थी. अब आज उस टॉपिक के ऊपर के बाकी दो पार्ट जो है उनको कैसे आपने सॉल्व करना है. प्रेजेंटेशन मैं नहीं बता रहा, मैं मेन मेन आइडिया आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ. तो अगर पार्ट 2 की आप बात करो, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, तो क्या प्रूफ करना है, 3 की पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9, बताना है कि डिविजिबल है 64 से. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले बेस केस होगा. बेस केस क्या होगा, जिसमें आप n की जगह 1 पुट करोगे. तो जब आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 4, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, यहाँ पे 1 पुट करो ये हो जाएगा माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस 9. तो जब आप 81 में से ये निकालोगे तो आपके पास 64 बच रहा होगा, और डेफिनेटली 64 इज डिविजिबल बाय 64. तो इसका मतलब n इक्वल टू 1 डिविजिबल 1 टाइम जाएगा, 64 को डिवाइड करोगे 64 से तो आंसर 1 आएगा. इसका मतलब ये जो n इक्वल टू 1 पे आपकी जो एक्सप्रेशन है वो डिविजिबल है 64 से. फिर वही आप एज्यूम वाला स्टेप करोगे, क्या एज्यूम करो 3 की पावर 2k प्लस 2, मतलब n इक्वल टू k पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिविजिबल है 64 से. ये आपने एज्यूम किया और आपको प्रूफ क्या करना होगा कि k प्लस 1 पे भी आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल है 64 से. तो आप क्या करो, n की जगह k प्लस 1 पुट कर दो, सिंप्लीफाई करते हैं क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2k 2 प्लस 2 4, ये हो जाएगा माइनस 8 के, माइनस 8 होगा, माइनस 8 माइनस 9 माइनस 17, ये एक्सप्रेशन आ रही होगी k प्लस 1 पे, ये आपकी एक्सप्रेशन है और आपको प्रूफ करना है कि ये जो पूरी एक्सप्रेशन है डिविजिबल है 64 से. कैसे प्रूफ करोगे, कल भी बताया था कि आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी तरह ये चीज ले आओ, क्योंकि ये जो आपने एज्यूम की स्टेटमेंट की थी ये आपको पता है कि डिविजिबल है 64 से, ये आपको पता है. तो अगर आप इसको किसी तरह इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आप बता सकते हो कि ये डिवाइड हो रहा है 64 से. कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने कहा था मैच करना है आपने, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 है, तो आप इस चीज को इस तरह लिख दो और जो एक्स्ट्रा है उसको आप साइड पे लिख दो इस तरह, मतलब पावर 4 है ना तो 4 को ब्रेक कर दो 2 प्लस 2 में, जो एक्स्ट्रा 2 है उसको आपने इस तरह बना दिया, 3 का स्क्वायर मतलब 9, क्योंकि आपको ये चीज चाहिए. तो देखो ये चीज आपने मैच कर ली. फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, माइनस 8 के चाहिए होगा, मैंने कल भी बताया था यहाँ पे 9 आ रहा है ना, तो 9 आप कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पे माइनस 8 के चाहिए. अगर इससे 9 कॉमन लोगे तो फिर तो चीज चेंज हो जाएगी ना. तो आप क्या करो, आप अपनी तरफ से यहाँ पे लिखो माइनस 9 8 के, जब मैं इससे 9 कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस 8 के आ जाएगा, ठीक है. इसी तरह
अगर मैं माइनस 17 से मुझे यहाँ पे 9 चाहिए, मुझे तीनों चीजें चाहिए थी ना, तो 8 के भी आ गया, ये भी आ गया, अब मुझे माइनस 9 चाहिए। अगर मैं 17 से 9 कॉमन लूंगा तो डेफिनेटली माइनस 9 नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी तरफ से ये लिख देता हूं, क्यों, मुझे 9 कॉमन लूंगा तो पीछे क्या चाहिए, माइनस 9 चाहिए, तो पीछे माइनस 9 बच जाएगा। जैसे मुझे माइनस 8 के चाहिए था तो मैंने लिख दिया माइनस 9 मल्टीप्लाई 8 के, जब मैं 9 कॉमन लूंगा पीछे माइनस 8 के बच जाएगा। इसी तरह मुझे 9 चाहिए था तो मैंने इसके साथ 9 लगा दिया, अब जब मैं 9 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 9 मिल जाएगा। तो हुआ क्या, ये दोनों चीजें मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से डाली है। जब आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कोई काम करो तो कंपनसेट करना पड़ेगा, ये नेगेटिव की है तो आपको पॉजिटिव वाली टर्म भी लानी पड़ेगी, इसी तरह ये नेगेटिव की थी आपको पॉजिटिव वाली भी लानी पड़ेगी। तो ये आपने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट किया, आपको ऐड करना पड़ा। अब जो रिमेनिंग टर्म है उनको लिख लो, इन दोनों रिमेनिंग टर्म को दोबारा लिख लो, इनको तो आपने कुछ किया ही नहीं है ना, ये तो अपनी जगह पे है, आपने अपनी तरफ से सब्ट्रैक्ट करवाया कंपनसेट करने के लिए, अपनी तरफ से ऐड करवाना पड़ा, और ये दो टर्म जो है ये एज इट इज आपने ऐसे लिख ली। अब क्या होगा, इन शुरू के तीन टर्म में से 9 कॉमन ले लो, तो देखो एग्जैक्ट आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है, बाकी उनको आप सिंप्लीफाई कर लो, 9 8 के और माइनस 8 के, ये सिंपल हो जाएगा 8 8 के, 8 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से 64, तो ये हो जाएगा 64 के, 9 9 से होता है 81, 81 माइनस 17 64, ठीक है। आप इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेना, 64 कॉमन ले लेना, जब 64 कॉमन लोगे तो ये सिचुएशन आएगी के प्लस 1, ये आपकी फाइनल एक्सप्रेशन है। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि वही जो मैंने कल अंग्रेजी लिखवाई थी, बाय अवर हाइपोथेसिस, ये चीज जो है ये डिविजिबल है 64 से, और देखो मतलब इंग्लिश आप लिख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि भाई आपने प्रूफ करना था कि के प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट 64 से डिविजिबल है नहीं, तो ये प्रूफ हो गया। कैसे, क्योंकि ये पूरी चीज तो 64 से डिविजिबल है, अगर आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर भी दो अभी भी वो 64 से डिविजिबल रहेगी। इसी तरह 64 जो है वो डेफिनेटली 64 से डिविजिबल है, और अगर आप 64 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको k प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये अभी भी डिविजिबल रहेगा, क्यों, क्योंकि k कोई नेचुरल होगा 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल k की वैल्यू 10 है तो 10 प्लस 1 क्या होता है 11, 11 को अगर आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर होगा वो 64 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी चीज डिविजिबल है, ये भी चीज डिविजिबल है, सवाल आपका प्रूव हो जाएगा कि k प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट जो है वो डिविजिबल है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये पूरी चीज डिविजिबल होगी 64 से। आप n की यहाँ पे कोई भी वैल्यूज पुट कर दो, n की वैल्यू 10 पुट कर दो, n की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये स्टेटमेंट हमेशा आपकी डिविजिबल होगी 64 से, ठीक है। अच्छा जी, तो सेम इसी के स्टेप पे आप लिख दो, अगला है 7 की पावर n, ये आप लोगों के मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, इज डिविजिबल बाय 3, अगेन 1 पे आप करोगे, जब आप यहां पे 1 पुट करोगे 7 माइनस 4 3 आएगा, 3 इज डिविजिबल बाय 3, तो n इक्वल टू 1 पे तो आप लोग कर लेना। फिर वो k वाली स्टेटमेंट लिखोगे कि एज्यूम करो कि n इक्वल टू k पे आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल है 3 से, तो ये एज्यूम वाला स्टेप आपने कर लिए। उसके बाद आप क्या करोगे, k प्लस 1 पे निकालोगे, तो यहां पे n की जगह पे आप पुट कर दो k प्लस 1, तो आपको प्रूफ करना है कि k प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट डिविजिबल है 3 से। वही काम करो जो यहाँ पे किया था कि k प्लस 1 पे स्टेटमेंट है, कोशिश करो ये चीज ले आओ, ये चीज कैसे लाओगे, यहाँ पे मौजूद है 7k, तो आप क्या करो इस 7k प्लस 1 को इस तरह लिख दो 7k मल्टीप्लाई 7, बेसिस सेम है, पावर ऐड होंगे ना, इसकी पावर 1 है, तो इस वाली चीज को आपने ब्रेक करके इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली टर्म जो है ये एक्स्ट्रा है, आपको ऊपर क्या चाहिए, आपको ऊपर चाहिए 4k, ठीक है, तो आप अपनी तरफ से 4k ले आओ, उस वक्त आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि माइनस 4 मल्टीप्लाई, मतलब इसको आप ब्रेक करके इस तरह लिख सकते हैं ना, सही। लेकिन अब देखो यहां पे 7 आप कॉमन लोगे, इस वाली चीज से अभी 7 कॉमन तो नहीं ले सकते ना, तो आप एक काम करो, ये वाली टर्म जो है ये आपके काम की नहीं है, इसको हम क्या कर देंगे, हम साइड पे कर देंगे, हम इस चीज को साइड पे कर देते हैं, ये जो चीज थी ना इसको मैं साइड पे कर दिया। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसमें जब मैं 7 कॉमन लू तो ये चीज बचे पीछे, तो आप इसको इस तरह लिखो। अभी लिखने का फायदा मुझे क्या हुआ, जब मैं 7 कॉमन लूंगा तो मेरे पास 4 की पावर के आ जाएगा, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि ये दो टर्म आ जाए किसी तरह, तो 7 की पावर के तो मैं ले आया, लेकिन जब मैं 7 कॉमन लूंगा तो ये टर्म आनी चाहिए। अब ये कैसे आएगी,
मैंने अपनी तरफ से माइनस सेवन फोर के लिख दिया, जब मैं सेवन कॉमन लूंगा तो मेरे पास माइनस फोर के आ जाएगा। अभी मैंने अपनी तरफ से लिखा तो कंपनसेट करने के लिए आप इस तरह लिख दो, ठीक है। और ये जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसको मैंने ऑलरेडी साइड पे लिख दिया। इसका भी एक तरीका होता है, नॉर्मली टीचर जब इसको सॉल्व करवाते हैं ना, वो डायरेक्ट इस वाली चीज को और इस वाली चीजों को ना सिंप्लीफाई करके बताते हैं। वो कहते हैं माइनस फोर मौजूद है ना, तो मैं अब माइनस थ्री अपनी तरफ से ऐड करवाता हूँ, कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैंने आसान तरीका क्या बताया था, इसको साइड पे कर दो, जो चीज चाहिए अपनी तरफ से उसको सब्ट्रैक्ट करवाओ, कंपनसेट करने के लिए ऐड करवाओ और इसको सिंप्लीफाई करवाओ। तो अब इन शुरू की दो टर्म में से आप सेवन कॉमन ले लो, तो कॉमन आ गया। अब इनको सॉल्व कर लो, सेवन मल्टीप्लाई फोर के माइनस फोर मल्टीप्लाई फोर के, तो सेवन माइनस फोर थ्री। सवाल आपका सिंप्लीफाइड है, कैसे भाई ये चीज डिविजिबल है थ्री से, आप इसको सेवन से मल्टीप्लाई कर दो अब भी डिविजिबल रहेगी। थ्री जो है वो थ्री से डिविजिबल होता है, आप थ्री को बेशक मल्टीप्लाई कर दो फोर की पावर के से, अभी भी वो डिविजिबल रहेगा। मतलब के की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल टू है, तो फोर की पावर टू सिक्सटीन होता है, सिक्सटीन को बेशक थ्री से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर थ्री से डिविजिबल होगा। के की पावर थ्री कर दो, फोर की पावर क्यूब सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वो भी डिविजिबल होगा थ्री से। तो आप थ्री को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, कोई फ्रैक्शन वाला नंबर ना हो, कोई नेचुरल नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि अभी हम नेगेटिव नंबर्स की बात नहीं कर रहे, इंटीजर से भी करो तो हो जाता है, लेकिन अभी नेचुरल की बात कर रहे हैं ना। तो आपको पता है फोर की पावर के रिजल्ट में आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा, कोई पॉइंट में नहीं मिलेगा आपको, कुछ फ्रैक्शन में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जब कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है उसको आप थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो रिजल्ट में नंबर आएगा वो भी थ्री से डिवाइड हो रहा होगा। तो अगेन ये प्रूव हो गया कि आपकी स्टेटमेंट थ्री से डिवाइड हो रही है, सवाल आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये पहले भी हुआ करता था, इस दफा इन्होंने डाला है इस एक्सरसाइज में, जरा देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक पार्ट को ट्राई करवा देता हूँ, पार्ट नंबर टू आप लोग कर लेना, पार्ट वन और पार्ट थ्री मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर वन पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, टू की पावर एन प्लस वन इज ग्रेटर देन टू एन प्लस थ्री, आपको प्रूफ करना है फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ये मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिसमें एन वन से स्टार्ट नहीं होता, किसी और वैल्यू से स्टार्ट होता है, तो यूनिक किस्म के सवाल है। यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि एन जो है वो टू से स्टार्ट हो रहा है, इस सवाल में बोलेंगे एन थ्री से स्टार्ट हो रहा है। तो सेम मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको प्रूफ करना है कि स्टेटमेंट ठीक है क्या, क्या टू की पावर एन प्लस वन ग्रेटर है इससे, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने का तरीका वही है जो आपने सीखा था, सबसे पहले बेस केस होता है, तो आप इसको प्रोपोजिशन कह देना, पी ऑफ एन लिखने के बाद ही पूरी स्टेटमेंट लिखना। अच्छा आप लिखो वेरीफाई प्रोपोजिशन फॉर एन इज इक्वल टू टू, यहां पर एन इज इक्वल टू वन नहीं कर देना, आपने देखना था स्टार्ट कहां से हो रहा है। जो पहले वाले सवाल थे ना उनमें एन नेचुरल होता था और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एन जो है वो सब नेचुरल नंबर नहीं है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, टू से स्टार्ट हो रहा है। तो आपने बेस केस में टू से स्टार्ट करना है, वन से स्टार्ट नहीं कर देना, वन पे शायद आपकी स्टेटमेंट ही गलत आ जाए तो फिर बोलोगे स्टेटमेंट गलत होगी, भले गलत हो रही होगी, तो आपने टू से स्टार्ट करना है। तो आप जरा टू पुट करो, एन की जगह पे टू पुट कर दो, इधर यहाँ पे भी एन की जगह पे टू पुट कर दो, ये हो जाएगा टू का क्यूब, ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री। टू का क्यूब क्या होता है, एट, से फोर प्लस थ्री सेवन, तो इसका मतलब टू है, एट जो है वो ग्रेटर देन सेवन होता है, इसका मतलब सिंस आप ही कह सकते हो कि एट इज नहीं, खाली इतना इस तरह लिख दो, ये लिखने के बाद आप लिख दो देयर फोर प्रोपोजिशन पी एम वन इज ट्रू, मतलब ये जो प्रोपोजिशन है एन के वन वैल्यू पे ट्रू है, ये बेस केस होता था। उसके बाद आप एज्यूम करते थे, अब एज्यूम वाला स्टेप करो, एज्यूम पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज एन इक्वल टू के पे आपकी स्टेटमेंट कैसी नजर आएगी, टू की पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन टू के प्लस थ्री। आप एज्यूम कर लो कि आपकी स्टेटमेंट के पे ठीक है, के पे आपकी स्टेटमेंट कैसी नजर आएगी, एन की जगह आपने के पुट किया है ऐसी नजर आएगी। अच्छा ये आपने एज्यूम किया, इसके बाद आपका स्टेप क्या होता था कि आप प्रूफ करते थे के प्लस वन के ऊपर, तो आप क्या लिखोगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज के प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में कैसी लगेगी, आप एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर दो,
तो n प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में, k प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट दिखने में ऐसे लगेगी, 2 की पावर k प्लस वन प्लस वन ये ग्रेटर होगा 2 मल्टीप्लाई k प्लस वन प्लस थ्री। मतलब ये चीज आपने प्रूफ करनी है सवाल में कि k प्लस वन पे, अगर आपने किसी तरह ये चीज प्रूफ कर दी ना, इसका मतलब आपका सवाल प्रूफ k प्लस वन पे आपकी स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी। जैसे शुरू के क्वेश्चन में आपने देखा था ना, क्वेश्चन नंबर वन में कि आपकी कोशिश क्या होती थी, ये चीज आपने लानी है, वहां पे थोड़ी डिफरेंट होती थी, यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट है। अब ये चीज आप कैसे लाओगे, जो आपने एज्यूम करते थे स्टेटमेंट उसके साथ आप छेड़खानी करते थे, ठीक है, आप इसको वन बोल दिया करते थे, तो जो आपने स्टेटमेंट एज्यूम की थी उसके साथ आप चेंजिंग करोगे, और इस तरह आपने चेंजिंग करनी है कि आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट आ जाए। अभी कैसे करोगे ये आपने देखना है। आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें 2 की पावर के प्लस वन है, जबकि यहाँ पे 2 की पावर के प्लस टू है। अगर आप ऑब्जर्व करो के प्लस टू है ना, तो आप क्या करो यहाँ पे किसी तरह के प्लस टू ले आओ। अब के प्लस टू कैसे लाओगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को किया तो राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा, तो आप कह सकते हो मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर वन या फॉर इक्वेशन नंबर वन, जो भी है देख लेना, बुक में वर्डिंग प्रॉपर लिखी हुई है इसकी, इन आएगा जो भी है कर। तो आप मल्टीप्लाई करते इक्वेशन वन को 2 से, तो जगह 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर के प्लस वन इज ग्रेटर देन, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, अभी ऐसी मैंने लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर के प्लस वन प्लस वन, ये हो जाएगा 4k, ये हो जाएगा 6। अगर आप ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर रही है, राइट हैंड साइड किस तरह आपने लानी है। अभी अगर आप देखो तो राइट हैंड साइड मैच नहीं ला सकते आप, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना, ये अलग है, यहाँ पे 2k है यहाँ पे 4k है, तो राइट हैंड साइड आपकी मैच नहीं हो रही। तो आप एक काम करो, आप जबरदस्ती राइट हैंड साइड ले आओ। अब जबरदस्ती राइट हैंड साइड क्या लेंगे, अगर आप इस राइट हैंड साइड को देखो तो राइट हैंड साइड क्या है, 2k प्लस 2 प्लस 3, ये राइट हैंड साइड है। तो ये चीज आप जबरदस्ती यहाँ पे लाओ, कैसे लाओगे, इसको तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी सिंप्लीफाइड है, 4k की जगह आप लिख दो 2k, ठीक है, और इस 6 को आप ब्रेक कर दो 2 प्लस 3 में। मुझे पता है 6 ब्रेक होता है 3 प्लस 3 में, लेकिन 6 की जगह आप लिख दो 2 प्लस 3, मतलब जो चीज यहां पे मौजूद है एज इट इज यहां पे कॉपी कर दो। अब जो रिमेनिंग बचा है उसको लिखो, एक तो 2k बचा है और एक 1 बचा है। अब इसका क्या करेंगे जरा देख लेते हैं। आप क्या करो, शुरू की दो टर्म जो है इसमें से 2 कॉमन लो, प्लस 3 अपने जवाब में, देखो एज इट इज ये चीज आ गई है, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म भी है, एक्स्ट्रा टर्म यहां पे क्या है 2k प्लस 1। अब आपने क्या करना है, आपने इस स्टेप पे 2k प्लस 1 को इग्नोर कर देना है, हटा देना है यहां से। अब अक्सर कहोगे सर ये इसकी लॉजिक क्या है, इसको लिखो इस तरीके से कि हम ये कह सकते हैं रिप्लेस 2k प्लस 1 विद 0। इस तरह भी आप लिख सकते हो कि मैं 2k प्लस 1 को 0 से रिप्लेस कर रहा हूं, या इस तरह भी कह सकते हो कि रिमूव 2k प्लस 1 फ्रॉम द अबव इनइक्वालिटी, जो भी वर्डिंग लिखना चाह रहे हो। सिंपल लैंग्वेज में आप 0 से रिप्लेस करो या उसको हटा दो, एक ही बात है ना। आपने क्या करना है 2k प्लस 1 को यहाँ पे इग्नोर कर देना है। अब एक चीज बच्चों के जहन में आएगी कि सर अपनी तरफ से हम कैसे किसी चीज को इग्नोर कर सकते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे। तो लॉजिक इसके पीछे ये है कि बच्चों आप लोग अभी ना इनइक्वालिटीज में डील कर रहे हो, आप लोग इक्वेशन में डील नहीं कर रहे। इनइक्वालिटी में थोड़ा फायदा होता है, फायदा यह है कि इनइक्वालिटी को अगर आपने ट्रू साबित करना है ना किसी तरह, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 3, ये इनइक्वालिटी बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो इनइक्वालिटी, अगर आपका मकसद है ट्रू साबित करना, अगर आपका मकसद जस्ट ट्रू साबित करना है तो आप 3 की जगह यहां पर 2 कर दो, क्या इनइक्वालिटी गलत हुई है अभी, नहीं अभी भी ठीक है। तो जहां पे अगर आपका मकसद है इनइक्वालिटी को ट्रू साबित करना, तो वहां पे आप चीज अपनी तरफ से ड्रॉप कर सकते हो मकसद पूरा करने के लिए, क्योंकि इनइक्वालिटी तो ठीक रहेगी, कोई फर्क इक्वेशन में आप क्या करते थे, आप कहते थे इक्वेशन पे फर्क ना पड़े, लेफ्ट राइट बराबर होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में क्या होता है कि यार जो अगर ग्रेटर देन वाली है इसका मतलब लेफ्ट वाली चीज ग्रेटर हो राइट, जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ होगा, तो यहां पे लॉजिक हमने क्या लगानी है कि ग्रेटर लिखा हुआ है। ग्रेटर का मतलब क्या है कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है, असल में तो ये था ना कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है। अब अगर आप इसमें से कोई टर्म को ड्रॉप करोगे और ये पूरी टर्म पॉजिटिव है, क्योंकि के आपका पॉजिटिव होगा कुछ, के आपका 2 से बड़ा ही होना बड़ा होगा कुछ, के 3 होगा 4 होगा या 2 भी हो सकता है,
इसका मतलब के की वैल्यू जब भी आप यहाँ फॉर एग्जाम्पल के फाइव है आपका, तो फाइव टू जर टेन, टेन प्लस वन इलेवन, तो ये जो भी चीज है अगर आप इसको अपनी तरफ से ड्रॉप कर दोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी बड़ी थी और ये चीज छोटी है। अगर छोटी वाली चीज को मजीद अगर आप छोटा कर दो तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा ना। फर्क उस वक्त पड़ता जब मैं इसके अंदर कोई चीज ऐड करता, अभी ये छोटी है मैं इसके अंदर ऐड करके इसको बड़ा करता, तब फर्क पड़ सकता था कि यार ये कितनी बड़ी हुई है, क्या ये इससे ज्यादा बड़ी होगी है या इससे कम बड़ी है, ये मुझे कंफ्यूजन होती। लेकिन अभी ये वाली स्टेटमेंट बड़ी है और ये छोटी है, अगर इसमें से मैं कुछ रिमूव करूंगा ये अभी भी छोटी रहेगी, इसका मतलब इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और इसको इग्नोर करने के बाद आप ऑब्जर्व करोगे आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। किसी तरह आपको ये चीज प्रूव करनी थी तो ये बात प्रूव हो रही है आपकी कि ये चीज ग्रेटर है इससे, दैट्स इट, ये आपका मकसद था यहाँ पे। तो ये देखने के बाद आप वर्डिंग लिख दोगे जो बुक में लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि दिस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, लिख देना हैंस बाय मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यही काम बुक वालों ने भी किया है। अगर आप बुक पे आओ पेज 217 के ऊपर, 217 पे एग्जाम्पल नंबर नहीं, ये वाली नहीं, एक सेकंड, ये है पेज नंबर 215 के ऊपर। तो 215 पे अगर आप आओ ना तो स्टेटमेंट में था ये चीज लिखी हुई थी, पेज 215 स्टेटमेंट थी आपकी 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन 4 k प्लस 2, ये स्टेटमेंट आई थी, मतलब यहाँ पे ये वाली चीज थी। और आपको प्रूफ क्या करना था इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 215 पे प्रूफ आपको ये करना था, प्रूफ ये करना था आपको, मतलब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो ये क्या है 2k प्लस 2 प्लस 1, ये चीज है, जबकि आपके पास ये चीज आ रही है। अब इस दोनों में फर्क है, लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर गई है, राइट हैंड साइड में फर्क है। तो आपने क्या किया, आपको 2k प्लस 2 प्लस 1 ये चाहिए, तो आपने क्या लिखा 4k को लिखा 2k, 2 को अपनी तरफ से 2 ये लिख दिया और प्लस 1 आपने अपनी तरफ से लिख दिया। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या था, एक्स्ट्रा यहाँ पर 2k है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इस चीज को जरा गौर से देखो, 1 यहाँ पे मौजूद नहीं है, 1 मैंने अपनी तरफ से लिखा है, ये 4k प्लस 2 मौजूद था, तो 2k 2k ये 4k हो गया और प्लस 2 अपनी जगह पे। ये 1 जो आपको नजर आ रहा है ना, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है। अब जब आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हो या तो दोनों तरफ ऐड करो, या अगर एक तरफ ऐड करो तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, जबकि मुझे दोनों काम नहीं करने, मैंने दोनों तरफ भी ऐड नहीं करना और मैंने ऐड सबट्रैक्ट भी नहीं करना। इसका मतलब आप इसको किस तरह लिखोगे, आप एक काम करो आप 4k प्लस 2 को इस तरह लिखोगे 2k प्लस 2 प्लस 2k। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि इनइक्वालिटी में आप किसी भी चीज को ड्रॉप कर सकते हो, तो मैंने 2k को मैं ड्रॉप कर दूंगा और 2k मैं लिखूंगा क्या के रिप्लेस 2k विद 1। जैसे यहां पे मैंने 0 से रिप्लेस किया था ना, क्यों, क्योंकि मुझे ये चीज मैच करनी थी। अब मुझे क्या मैच करना है, अब मैंने ये मैच करना है, तो यहां पे देखो 1 मौजूद है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा 2k को ड्रॉप कर दो और इसकी जगह पे 1 लिख दो ताकि एग्जैक्ट मैच कर जाए। अब आप लोग कहोगे सर 2k की जगह 1 ही क्यों लिखा है, 2k की जगह 2 भी तो लिख सकते थे, वो इसकी वजह ये है कि मुझे 1 चाहिए तो मैंने 2k की जगह 1 लिख दिया। अब अगला सवाल होगा क्या ये अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि मैंने कहा था कि इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करना आपने। अब जरा समझो कि 2k ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। अगेन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ये चीज बड़ी है और ये चीज छोटी है। अब 2k क्या है, देखो k की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एग्जांपल नंबर 2 में लिखा हुआ है n जो है वो ग्रेटर देन 3 है या इक्वल टू 3 है, तो k भी यही होगा, या तो 3 से ग्रेटर होगा 3 के बराबर होगा। मिनिमम वैल्यू कंसीडर कर लो k अगर 3 है, जब आप यहाँ पे 3 पुट करोगे 3 टू जा क्या होता है 6, तो 6 को हटा के आप उसकी जगह पे क्या लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बड़ी थी ये छोटी थी, इस छोटी को आपने मजीद छोटी कर दी है क्योंकि 2k 6 है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ अगर k 3 होगा तो ये चीज 6 है, आप इसको हटा के 1 कर रहे हो, मतलब इसको मजीद छोटा कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज अभी भी बड़ी रहेगी बल्कि ये तो और छोटी होगी है, इनइक्वालिटी तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ये आपको अलाउड है, आप किसी चीज को ड्रॉप भी कर सकते हो, उस चीज की जगह कुछ और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि 2k की जगह आप यहाँ पे 50 ऐड कर दो, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2k की जगह आपने वो चीज ऐड करनी है जो छोटी हो, तभी भी आपकी इनइक्वालिटी ठीक रहेगी ना। अगर आप कुछ बड़ा ऐड कर दोगे तो फिर इनइक्वालिटी में शक हो जाएगा ना, यार ठीक है नहीं ठीक, तो ये काम नहीं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2k की जगह इसको बुक वालों ने क्या लिखा हुआ है कि डिडक्ट 2k, 2k को हटाओ फ्रॉम राइट हैंड साइड
एंड कीपिंग वन इंस्टेड, ये उसकी जगह वन लिख दो आप, सही है। तो आपके पास फिर ये वाली इक्वालिटी बच जाएगी, फिर वही काम करोगे आप टू कॉमन लोगे तो एग्जैक्ट ये वाली सिचुएशन मैच कर जाएगी। तो इन सवालों में आपने ये काम करें। तो 7.1 में पार्ट 1 मैंने आप लोगों को डिटेल में करवा दी, इसके आगे वर्डिंग लिख देना कि थस इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स नहीं, प्रोपोजिशन इज ट्रू फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 2 में भी इसी किस्म का सवाल करना है, सेम किस्म का सवाल है। पार्ट नंबर 3 थोड़ा आपको लग रहा होगा शायद फैक्टोरियल है, क्या फर्क उसमें भी नहीं, वो मैं चलो बता देता हूँ किस तरह करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा ये मैं वैसे ही समझा देता हूँ, स्टेप्स आप लोग बना लेना इसके। n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर n माइनस 1, वही काम करोगे। सबसे पहले n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, तो बेस केस इसका होगा 5। अब यहाँ पे 5 पुट करो, 5 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 5 माइनस 1, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 3 की पावर 41, स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक है, बेस केस आपका ठीक है। अब आप एज्यूम वाला काम करोगे, वही k फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 3 की पावर k माइनस 1। प्रूफ क्या करना है आपको, k प्लस 1 पुट करो, ये चीज आपको प्रूव करनी है, k प्लस 1 पे आपकी स्टेटमेंट ये होगी, ठीक है। अब आपने कुछ भी करके इस एज्यूम वाले स्टेप को सिंप्लीफाई करके ये फॉर्म लानी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मैच कर लो, आपको चाहिए क्या, k प्लस 1 आपके पास मौजूद क्या है k, अभी k प्लस 1 कहां से लाओगे। इसका सिंपल एक तरीका होता है, लॉजिक क्या है इसकी, जब आप 2 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करते हो 3 से तो ये 3 फैक्टोरियल हो जाता है, जब आप 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, जब आप किसी फैक्टोरियल को एक बड़े नंबर से उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वाला फैक्टोरियल हो जाता है, लेकिन उससे एक नंबर बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि 5 फैक्टोरियल को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आप 7 फैक्टोरियल लिख दो, ये नहीं होता, ठीक है। तो इसी तरह मैं काम करता हूँ, ये जो इक्वेशन 1 है मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ ना मल्टीप्लाई करवाता हूँ के प्लस 1 से, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दो के प्लस 1 से और राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दो के प्लस 1 से, होगा ये कि जब k फैक्टोरियल को k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये k प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी मैच कर जाएगी। राइट हैंड साइड पे अभी क्या मौजूद है, 3 की पावर k माइनस 1 और इधर है k प्लस 1, क्योंकि आपको वो वाली चीज लानी है, आपको यहाँ पे 3 चाहिए क्योंकि बेसिस सेम होंगी तो फायदा होगा ना, तो k प्लस 1 है, आप इसको उस तरह लिख दो k प्लस 3 माइनस 2, मतलब 1 को आप ब्रेक कर दो 3 माइनस 2 के अंदर। फायदा क्या हुआ, जब 3 वाले टर्म को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, बेसिस ये दोनों सेम है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस वाली टर्म से तो ये ऐड हो जाएगा, वही बात है, आपको ये चीज चाहिए थी ना सर में, तो वो चीज आ जाएगी। 3 की पावर k माइनस 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिस सेम है, इसकी पावर 1 इसकी पावर k माइनस 1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, k माइनस 1 प्लस 1। अच्छा माइनस प्लस एक ही बात है, पहले लिखो बाद में लिखो, होगा तो कैंसिल ही आपस में, तो बेहतर है आप यहाँ पे प्लस लिख दो यहाँ पे माइनस लिख दो, बात देगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये तो आपको चाहिए था, एक्स्ट्रा क्या मौजूद है, एक्स्ट्रा यहाँ पे जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो k मल्टीप्लाई 3 की पावर k माइनस 1 और इसको आप माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, या इसको आप कॉमन लेके डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हो, 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाई k माइनस 2। तो आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया और जब इसको आपने k माइनस 2 दोनों से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप क्या करो मल्टीप्लाई में करो, डायरेक्ट लिख दो कि मैंने इसको k माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो आपको यही चीज चाहिए, अगर आप देखो राइट साइड पे यही चीज चाहिए थी, तो आप क्या बोलोगे इसको रिप्लेस कर दो विद जीरो, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि ड्रॉप दिस टर्म दैट्स इट, तो अब जो पीछे आपके पास बचेगा वो आपकी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है। अगेन वही बात है, आप इसको गौर करो ना, तो स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो बड़ी है और यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है वो छोटी है, अगर आप छोटी में से मजीद टर्म निकाल दोगे तो वो और छोटी हो जाएगी, स्टेटमेंट तो आपके भी ठीक ही रहेगी, क्योंकि ये जो भी है ये आंसर क्या हो सकता है, मिनिमम क्या इसका आंसर होगा, इसमें 5 है ना, तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 माइनस 1 4, 3 की पावर 4, यहाँ पे 5 पुट करो, 5 माइनस 2 3, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो 243, तो मिनिमम इस पूरी चीज की वैल्यू 243 है, तो जब आप इसको हटाओगे तो ये टर्म और छोटी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है, स्टेटमेंट आपके अभी भी ठीक रहेगी, तो ये अलाउड है, आप इस तरह भी कर सकते हो।